साथियों लाल सलाम। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर कॉमरेड और दूर दराज से आए हुए सभी यूनियन प्रतिनिधिगण, सभी लोग भारी संख्या में आए, इसके लिए मैं हिंद मजदूर सभा हरियाणा से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद उद्योगपतियों ने किस प्रकार से मजदूरों के ऊपर जुल्म करना स्टार्ट किया। साथियों, पहले एक तो ऑल ईस्टर्न मेडिकेट कंपनी से 1150 कर्मचारी परमानेंट थे और एकदम से मालिक ने कंपनी बंद कर दी, सारे कानूनों की उल्लंघना करते हुए। और साथियों, हमारा संगठन अभी भी उसके लिए लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई पहुंच गई, सभी जगह से जीतते हुए आए, लेकिन प्रशासन ने, मंत्री ने, किसी ने भी साथियों मजदूरों के हक में कोई बात नहीं करी। ठीक इसी प्रकार से ओमैक्स दारुएड़ा, साथियों 412 वर्कर परमानेंट यूनियन के मेंबर, और जो सरकार ने कानून बनाया कि 300 से कम के, जिस कंपनी के अंदर 300 से कम वर्कर हैं उसको बिना परमिशन के बंद किया जा सकता है, ये कानून इस सरकार ने बनाया। और उसके बाद भी 412 वर्कर जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं 30 साल से, तो साथियों कुछ डिपार्टमेंट बंद करने की परमिशन हरियाणा सरकार ने दूसरी तारीख पे ही दे दी लेबर कमिश्नर ने। हम लेबर सेक्रेटरी के पास गए, लेबर सेक्रेटरी ने सारी बात सुनी और हमारे हक में कहा कि तुम अपनी बात सही कह रहे हो, लेकिन अगली तारीख पे लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर सरकार का दबाव है, मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। उसके बाद साथियों जिस कंपनी में 412 वर्कर थे लेबर सेक्रेटरी ने भी परमिशन दे दी और 253 वर्कर को रोड पर खड़ा कर दिया। उसके बाद एक ऑटोमैक्स कंपनी बिनोड़ा के अंदर साथियों है, 311 वर्कर होते हुए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से अंदर 160 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहा है और उसके बाद परमानेंट आदमियों को सभी को गेट बंद कर दिया। साथियों हम अब वहां पे हाई कोर्ट से भी जीत गए, लेकिन सरकार के और लेबर डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी ने मजदूर के पक्ष में कोई बात नहीं कही, ना ही किसी ने कोई पंचायती बात करी। सभी अधिकारियों का ये कहना है कि भी हमारे को तो ऊपर से जो आदेश है साथियों हम तो वो करते हैं। साथियों हम इन सारी बातों के लिए श्रम मंत्री से भी मिले, श्रम मंत्री का कहना आया था नायब सिंह सैनी का कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ आईपीएस आईएएस अधिकारी गुजरात से आए हुए हैं, वही सरकार चला रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को जो महकमा दिया गया है मेरे को तो खाली साइन करने हैं। तो साथियों पहली बार 30 साल की, हम भी 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, पहली बार हमने ये बात देखी कि कोई आदमी भी श्रम मंत्री तक भी पंचायती बात ना करे कि सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। इसी दौरान मारुति मानेसर के अंदर बिल्कुल मैनेजमेंट ने प्लानिंग से ऐसी कार्रवाई करी। साथियों उस आवेश में, उस जोश में या उस उन गतिविधियों में प्रशासन बीच में आया और साथियों किस तरीके से उस कंपनी में आग लगी और आग लग के दम घुटने के कारण से एक मैनेजर की जान चली गई, 550 वर्करों को एकदम निकाल दिया और आज भी 13 साथियों को उम्र कैद सुना दी गई। ऐसा मेरे ख्याल से तो इतिहास के पन्नों में कहीं भी नहीं है, जिसकी रिपोर्ट में ये आ रखा हो कि दम घुटने से के कारण से मरा है और सीधा सीधा आरोप लगा दिया। इस प्रकार से कितनी ही कंपनियां ऐसी हैं, गुड़गांव एनसीआर के अंदर ऐसे ही रोहतक आईसिन कंपनी के अंदर 750 कर्मचारी थे और यूनियन अप्लाई करी। साथियों पूरी जापानी कंपनी है, पूरा प्रशासन और पूरे सभी मंत्री एक टांग के बाहर खड़े हो गए कि भी यूनियन नहीं बनने देनी। साथियों 750 कर्मचारियों को बाहर कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर लेबर से कंपनी चलाएगी। यदि इसी प्रकार से ये कर्म इनका चलता रहा तो परमानेंट वर्कर एक भी किसी कंपनी में नहीं होगा, सभी लोग ठेकेदारी में काम करेंगे। इनकी नीतियों से हमारी तो समझ में सिर्फ इतनी बात आई है। और यदि
आज संगठित लोग, असंगठित लोग सभी इकट्ठे हो गए, अगर इस सरकार की इन नीतियों का विरोध ना किया गया तो आने वाले समय में मजदूरों की ओर से आवाज उठना बड़ा असंभव बात हो जाएगी। हमारे सीनियर लीडरों ने जो निर्णय लिया 9, 10, 11 का, यहाँ पर इसका हम स्वागत करते हैं और सभी ने पूरी भीड़ के साथ यहाँ पे आए। पिछले साल 2 सितंबर का जो हड़ताल हुई, मेरा ये मानना है कि गुड़गांव, रेवाड़ी, दारवेड़ा, बावल के अंदर जितनी सही तरीके से वो हड़ताल सक्सेस हुई, मेरे ख्याल से तो देश में कहीं भी नहीं हुई। इसलिए गुड़गांव, फरीदाबाद, NCR के मजदूरों के अंदर जो रोष है और जिस प्रकार से प्रशासन के साथ मिलके सरकार मजदूरों का दमन कर रही है, तो आने वाला समय दूर नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे उद्योग हड़ताल पे चले जाएं। इसलिए साथियों, सभी को जिस प्रकार से आज के प्रोग्राम में तन मन धन से सबने सहयोग किया, मैं उम्मीद करूंगा आगे भी हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर जो निर्णय लेंगे, हम सभी उसका स्वागत करेंगे और दिल से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 नारे लगाएंगे साथियों, आवाज दो सांझा मंच जिंदाबाद, सांझा मंच जिंदाबाद, सांझा मंच जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथी।